आज हम कुछ शब्दावली लेते हैं और एक टॉपिक लेते हैं कि जो मार्केट जो है क्यों मतलब ऊपर नीचे होता है, किन कारणों से, ठीक, उस पर किन 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 का प्रभाव पड़ता है। नंबर वन लेते हैं हम एक शब्दावली, FII। FII, FII क्या होता है? फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। FII जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लोग बाहर के मतलब चाहे किसी भी देश को, चाहे वो अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, कोई जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम FII कहते हैं, या जो बाहर के लोग जो यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें FII कहा जाता है। कहीं अगर ये लिखा हो FI तो समझ जाना चाहिए, या अधिकतर शेयर मार्केट की भाषा में इनको FI ही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है DII। DII क्या होता है? डोमेस्टिक, क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्हें कहा DII। ये लोग कौन होते हैं? जो इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या जो पैसा लगाते हैं उनको DII कहा जाता है। इसी टाइप का एक और मैं लेता हूँ, मार्केट में बहुत पॉपुलर होता है, एक होता है बुल, ठीक है। बुल क्या होते हैं? जिसे हम इनको कहते हैं तेजड़िया, तेजड़िया। तेजड़िया कौन होते हैं? ये आशावादी होते हैं। ये क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। ये सोचते हैं कि मार्केट जो है बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं, भविष्य में बढ़ेगा, तो इसीलिए इनको तेजड़िया कहा जाता है कि आशावादी, ठीक है। एक और होता है बहुत पॉपुलर शब्द है बियर, क्या है? बियर, इसे कहते हैं मंदड़िया, क्या कहा जाता है? मंदड़िया। ये कौन होते हैं? ये निराशावादी होते हैं। ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा भविष्य में, उस हिसाब से ये क्या करते हैं, पैसे मार्केट से निकालते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं तेजड़िया और मंदड़िया, कि आज आप इनके सब अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरा टॉपिक जो है, लेते हैं उसको, लेते क्यों लोग जब खरीद जब इन्वेस्टर होते हैं क्यों ज्यादा खरीदते हैं, क्यों ज्यादा कब बेचते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो भी है इम्पैक्ट है देश की ग्रोथ का बहुत पड़ता है, ठीक है। जिस देश की अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो उसका मार्केट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नंबर वन क्या है? हमारी जो है देश की ग्रोथ कैसी है, ठीक है, देश की जीडीपी कैसी है। जीडीपी जो होती है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? कंट्री के अंदर, देश के अंदर एक साल में जो होती है कि वस्तुओं और सेवाओं मतलब की वैल्यू या का मूल, वस्तुओं और सेवाओं का देश के अंदर, देश के बाहर नहीं, देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए हम एक जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया तब इम्पैक्ट पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारा मार्केट ऊपर जाए और लोग ज्यादा क्या है खरीदेंगे, ठीक है।
और नंबर दो हमारा फर्क पड़ता है किससे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या चीज है, महंगाई। जब महंगाई होती है तो लोगों क्या होता है, क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, जो वस्तुओं की खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं तो वो इन्वेस्ट क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी तरफ ये होता है, क्या होता है कि उसकी जो फैक्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती, महंगी हो जाती है। जब महंगी हो जाती है तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट कम होगा, कंपनी को लॉस होंगे, मार्जिन नहीं मिलेगा ज्यादा, तो क्या तब मार्केट क्या होता है, गिरता है, नंबर दो। और नंबर तीन होता है, एक होता है इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट आजकल क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबल से कहीं कुछ होता है, सब जुड़े हुए हैं इकोनॉमी की, एक दूसरे से देश से इकोनॉमी की क्या है, कनेक्ट है। अगर मान लीजिए डाउ जोन्स एंड नास डाक, डाउ जोन्स और नास डाक अगर गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट से भी असर पड़ता है। और दूसरा एक होता है कौन सा, SGX निफ्टी। ये क्या होता है, SGX निफ्टी कहाँ का इंडेक्स है, ये है सिंगापुर का। आप सभी देखेंगे अगर अगर SGX निफ्टी में गिरावट है तो सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट आपको मिलेगी। अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक गिरता है और SGX निफ्टी भी गिरता तो अधिकतर इंडियन मार्केट सेंसेक्स निफ्टी गिरेगा, तो यहां से इंडिकेट मिलता है, ठीक है। आप और अब आता है चौथा, आता है करेंसी एक्सचेंज। रेट इससे क्या होता है, जब रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में कम या ज्यादा होती है तब भी इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। क्या है, रुपए की वैल्यू जब डॉलर की तुलना में अगर कम होगी और ज्यादा होगी तब फर्क है। अगर रुपए की वैल्यू, अगर रुपए मजबूत होगा, रुपए मजबूत होगा तो अपना मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब कैसे, एक सेक्टर सिर्फ है जब रुपए गिरता है उस सेक्टर को फायदा होता है, वो सेक्टर कहलाता है आईटी। आईटी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक होते हैं, जैसे विप्रो है, इंफोसिस है, TCS है, ये क्या है, आईटी सेक्टर है। इनका जो बिजनेस है वो क्या है, अमेरिका में भी, ये अमेरिका से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मान लीजिए एक कोई कंपनी है, इन्हीं में से किसी कोई कंपनी है अमेरिका में अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, कोई मान लीजिए कंपनी, मान TCS के एग्जाम्पल ले लेते हैं, TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी, ये अमेरिका से रेवेन्यू इसने क्या करा, वहां से $10 का रेवेन्यू आया, $10 आया। आप देखते हैं जब एक डॉलर की वैल्यू 50 रुपीज है, और एक जब एक डॉलर की वैल्यू 80 रुपए है, ठीक है, तब देखते हैं, अब 10 डिबे, जब एक डॉलर की कीमत 50 रुपए है तब रेवेन्यू कितना जनरेट होगा हमारा, 50 × 10 500, ठीक है। यहां क्या है, इसकी तुलना में यहां रुपए मजबूत है और यहां पर रुपए क्या है, कमजोर है, यहां पर रुपए क्या है, वीक
वीक है, क्या है रुपए वीक है, और यहां क्या है स्ट्रांग है, ठीक है। जब स्ट्रांग है तो 500 होती है, और जब आया वीक हुआ तो 80 मल्टीप्लाई 10 तब कितनी हो गई 800 रुपीज हो गई। तो क्या हुआ, रेवेन्यू उसका था, केवल आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उनको फायदा होता है जब रुपए की वैल्यू गिरती है, और पूरा होल मार्केट होता है वो गिरता। क्यों होता है कि हमें वहां से इंपोर्ट करने पड़ता है, जब इंपोर्ट करेंगे हमें वहां डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे क्या है हमारे रुपए की वैल्यू अगर गिरी है तो हमारे रुपए ज्यादा जाएंगे, तो हमें क्या नुकसान होगा, ये हमारी जो कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आई तो ऑल टोटल क्या हो उसमें, ठीक है, तब इंपैक्ट पड़ता। और इसके बाद आता है 5 नंबर पर क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल के रेट गिरते या बढ़ते हैं, जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तब भी हमारे मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या होगा, हमारा मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा, कि हमें वहां जब उसका इंपोर्ट करते हैं तो हमें वहां जब उसका है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा उसकी है, उसका पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा रुपए ऑयल खरीदने के लिए, तब उससे इंपैक्ट हमारी देश की जीडीपी पे पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पड़ेगा, तब मार्केट का है गिरेगा, ठीक है। और एक होता है जब केंद्रीय बैंक, जब फेडरल बैंक एंड आरबीआई बैंक, क्या होता है फेडरल बैंक, जब फेडरल बैंक और आरबीआई बैंक, फेडरल क्या होते हैं जैसे हमारे यहाँ के जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसी टाइप का अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक है उसे फेडरल बैंक कहते हैं। जब फेडरल बैंक अपनी रेट बढ़ाता है, जब क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है इंपैक्ट पड़ता है, तो मार्केट गिरता है, ठीक है। ऐसे रिजर्व बैंक, जब रिजर्व बैंक क्या होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट गिरता है, क्यों, वो लिक्विडिटी को क्या करता है खींचता है, कम करता है, ठीक है, जो रुपए है। और क्या होते हैं जो बॉन्ड में लगता है, लोग एक तो है कि शेयर मार्केट से पैसा निकाल के डेट फंड में लगाते हैं, ठीक है, फंडों में लगाते हैं, तो इससे भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और एक लोगों के पास पैसा नहीं रहता है कि उसको मार्केट में लगा सकें, तो एक तो हमारे जो केंद्रीय बैंक है इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाते हैं तब इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, ठीक। कौन कौन से हो गया हमने अभी तक पढ़ाए थे, करेंसी मार्केट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और जीडीपी हो गई, तो इन चीजों से हमारा, और कौन और क्या था, अब बचा एक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे पर? जब मानसून अच्छा होता है तब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्या होगा पैदावार ज्यादा होगी, तो हमारी क्या होगी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी जब बढ़ेगी तो क्या होगा देश की ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ होगी तो इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पड़ेगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर आता हमारी उस दिन की क्या नेशनल एंड इंटरनेशनल कोई इवेंट, क्या होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल कोई घटना सिचुएशन या इवेंट, मान लो उसी दिन है किसी ने किसी देश के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा मार्केट न्यू जाएगी, धड़ाम से मार्केट क्या जाएगा गिरेगा। तो ये कुछ इंपैक्ट थे, तभी क्या होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं जो उसके डर के क्या करते हैं कि मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं ज्यादा, मतलब उसको क्या करते हैं बेचने लगते हैं। अब जब देखता है कि कोई पॉजिटिव खबर आती है तब क्या होते हैं उसको खरीदने लगते हैं ज्यादा, बायर लेते हैं, और सेलर जब क्या होते हैं उसको बेचने लगते हैं, तो इसी टाइप से मार्केट गिरता है, ऊपर नीचे चलता है। तो ये मैंने आज बताए थे मार्केट पे कैसे मतलब इंपैक्ट पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।